कि बीजेपी जो है कितना बड़ा अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, और कोई काम नहीं है इन लोगों का, केवल झूठ बोलना और गलत सलत प्रचार करना, और कोई काम नहीं। बेहद खुशी मिली है और आप लोग लगातार हम लोगों पर आशीर्वाद और प्यार और समर्थन बनाए रखते हैं, इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। महागठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहा है, उपचुनाव है, और महागठबंधन से प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से श्रीमती नीलम जी, हम आप लोगों के बीच आए हैं आदरणीय लालू जी का संदेश लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चोट लगी है, इस कारणवश नहीं आए हमारे साथ। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष ललन जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया, हमारे पिता राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी भी आना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनका किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, ऑपरेशन होना है, इसके लिए वो सिंगापुर जाएंगे, इस वजह से वो आए नहीं। लेकिन आदरणीय लालू जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यही संदेश है कि एक एक वोट जो है लालटेन पे दबा करके नीलम जी को भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम किए। और यहाँ लड़ाई कहाँ है, यहाँ भाजपा आजपा से लड़ाई है, कहीं कोई टिकने वाला है? अरे हम क्या बताएं, लोग बिकाऊ लोग टिकाऊ होता है, ये सब का दूसरा धंधा है। यहाँ तो खाली ये देखना है कि अनंत सिंह जी पिछला बार चुनाव में कितना में लड़े, कितना में जीते, कितना उनको वोट मिला, और इस बार नीलम जी अनंत जी को पटकती है कि नहीं पटकती है, ये देखो। लड़ाई तो मार्जिन का ना है। और देखिए भाई, हमको तो पूरा विश्वास है कि पटक देंगे, यहाँ और किसी से लड़ाई नहीं है। देखना कि पिछला वाला रिकॉर्ड अब टूटता है कि नहीं टूटता है। और देखिए, भली महिला है और महिला होने के नाते हम तो जितनी महिलाएं और बहनें आई हैं, हम उन सब लोगों से भी हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि अपने घर की बेटी को, बहू को, और कोशिश कीजिए कि कोई हमारा ऐसा साथी ना हो जो वोट से वंचित रह जाए। सबको वोट दिलवाइए, लाइए सबको, वोट गिराना जरूरी है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सब लोग लगातार, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने समर्थन जताया, ये सारा चीज़ आप लोग जो है हम लोगों के प्रति जो विश्वास आप लोगों का है, इस विश्वास पर हमारी सरकार और हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आप लोगों से, क्योंकि इसके बाद भी अगला कार्यक्रम है और उसके बाद भी हम लोगों को गोपालगंज भी जाना है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, सब कुछ तो क्लियर हो ही ना गया, क्लियर है ना भाई? सब लोग मिलजुल करके रहिएगा ना, तो आप लोग कहिएगा तो विजय का माला हम दे दें, और दोनों हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय बिहार। पार्टी एक हो गया और एक पार्टी जो है बीजेपी अकेले रहेगी। लोग समझ गया कि बीजेपी जो है कितना बड़ा अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, और कोई काम नहीं है इन लोगों का, केवल झूठ बोलना और गलत सलत प्रचार करना, और कोई काम नहीं।
आप देखिए, हम धन्यवाद देते हैं श्री नीतीश कुमार जी को कि इस परिस्थिति में जहां देश का संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं, समाजवाद विचारधारा को जहां कुचलने की कोशिश की जा रही थी, वही नीतीश जी ने एक निडर डिसीजन लेते हुए, निर्णय लेते हुए फिर से महागठबंधन में वापसी करने का काम किया। ये काबिले तारीफ है और हम लोगों का कमिटमेंट है। हम लोगों ने स्वीकार किया कि महागठबंधन का नेतृत्व आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी करेंगे। पूरा मजबूती के साथ हम महागठबंधन, जितना सातों दल है, हम लोग एकजुट काम कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग हैं, आप लोगों ने ताकत दी है, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं।